हे गाइस वेलकम टू फुकान क्रिकेट पॉड की दूसरी में आपकी ये क्रिकेट और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लेता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है कि आप बॉलिंग में लेग कटर कैसे मार सकते हैं। अगर स्लोअर बॉल की बात करते हैं तो लेग कटर एक बहुत ही बड़ी बात रहती है, क्योंकि अगर आपको स्लो फेंकना है तो और लेग कटर जरूर आनी चाहिए। और अगर टेनिस बॉल आप खास खेलते हैं, मान लीजिए आप लेदर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उसमें तो बहुत ही जरूरी है कि आप लेग कटर फेंकें, क्योंकि टेनिस क्रिकेट इज ऑल अबाउट वेरिएशन। क्योंकि अगर आप टेनिस क्रिकेट में वेरिएशन करेंगे तो आप बहुत बड़ी बॉलर बन सकते हैं। उसमें वेरिएशन करने जरूर आप यार्कर मारे, स्लोअर फेंके, और एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि लेग कटर कैसे फेंका। तो भाई लेग कटर बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको लेफ्टी में कैसे लेग कटर मारते हैं उसको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि आप लेफ्ट हैंड से लेग कटर कैसे मार सकते हैं। तो बट आप बात करते हैं राइट हैंड से लेग कटर कैसे मारने हैं, तो इसमें कुछ टिप्स होती हैं और कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी ग्रिप क्या करना। आपको इसको हल्के हाथ से पकड़, जैसे देख रहे हैं ना गेंद, जैसे आधे पर से ये है गेंद, आधे पर से ये है, जैसे यहाँ पे आप देख ली कटा, इसको भी बाहर आपको यहाँ से बॉल पकड़नी है, देख लीजिए। और इसको देखिए ज्यादा जखी नहीं देनी है आपको, बस एक जूटा रहे, थोड़ा सा गैप जैसे आप देख सकते हैं, इतना आपको गैप रहना चाहिए। देखिए इस तरह गेंद थोड़ा इस तरह रहनी चाहिए, आप देख लीजिए, इधर से देखिए और इधर से देख लीजिए और इधर से देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। बट आपको इस तरह पकड़ना है, इस तरह पकड़ना, ये आपकी हो गई ग्रिप। अब आपको रिलीज करते समय क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, ग्रिप देख लीजिए ना, जब आपको रिलीज करना है आपको इसको ऐसे करके मोड़ना है, ये जो है ना आपको इधर जो, मतलब कि ये जो दो उंगली है ना इसको लेफ्ट तरफ से थ्रो करना है, देखिए ऐसे, तो ये गेंद ऐसे उड़ती हुई जाएगी, देखिए ऐसे करेंगे ना तो ये गेंद उड़ती हुई जाएगी, आराम से लेग कटर होगी। देखिए मैं ऐसे आया हूँ ना, तो आपको ऐसे करके छोड़ना है और ऐसे। अब आपकी इसकी लेंथ क्या होगी मैं बता दूँ, इसकी लेंथ होगी फुल लेंथ, फुल लेंथ यानी गुड लेंथ आपको फेंकना है। जैसे बैट्समैन यहाँ पे खड़ा है ना, मान लीजिए बैट्समैन यहाँ पे खड़ा है तो बैट्समैन से दो बैट दूर, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको बॉल करनी है, ये आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे बॉल करनी है और इसको हाफ स्टंप पे, क्योंकि हाफ स्टंप आप करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे रहेगी, क्योंकि हाफ स्टंप करेंगे तो बढ़िया रहेगी। और इसको बाहर भी कर सकते हैं, बट आप जब बाहर करिएगा तो तेज स्लो फेंकिएगा। और यहाँ थ्री इन टू लेग कटर बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ लेग कटर एक स्लोअर का वेरिएशन है, लेग कटर के साथ बॉल स्लो भी होती है। मैं आपको बता दूँ जब आप लेग कटर फेंकेंगे तो लेग तो कट जाएगी बट स्लो भी होगी, क्योंकि उसमें बैट्समैन को यही रहता है। मैं सबसे ज्यादा लेग कटर का फायदा टेनिस क्रिकेट में रहता है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में अगर आप तेज फेंक रहे हैं, यार्कर मार दीजिए, मान लीजिए गुड लेंथ पे रख रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं, तो अगर बीच में आप बाउंसर मारिए फिर उसके बाद अगर आप लेग कटर फेंक देते हैं गुड लेंथ पे अच्छी, तब पे दूसरी बैट्समैन मतलब कंफ्यूज होता है कैसे खेलते हैं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में अगर बैट्समैन सोचता है कि जल्दी जल्दी हिट करें और बल्ला वो तेज चला दे और गेंद स्लो आ जाएगी तो बहुत ही तकलीफ है, वो कैच आउट होना ही है। अगर आपने फेंका है तो अगर वो बैट्समैन या गेंद जीत जाएगा, वो आएगी भी तो बहुत मुश्किल है, 99% एक ही % चांस रहता है कि वो सिक्स मार दे या बाउंड्री मार दे, बट ज्यादातर कैच हो जाता है या गेंद बीट कर जाते हैं, क्योंकि उनका बैट जो गति रहता है वो बहुत स्पीड रहता है, वो इतना में रोक नहीं पाते हैं कि रोक ले, बहुत कम लोग रहते हैं जो बहुत अच्छा फेंक लेते हैं और रोक लेते हैं। तो यही ऑल अबाउट है स्लोअर के, तो मैंने जो बताया इसी को आपको पालन करना है, बस आपको इसी तरह देख के फेंकना है, बट थोड़ा मेहनत करना है, कुछ प्रैक्टिस करना है घर पे कुछ बॉल फेंक के। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द